ये मेरा मोटो व्लॉगिंग का सेकंड वीडियो है और मैंने 15 दिन पहले ही रोनिन ली है 225 सीसी टीवीएस की। आज मैं जा रहा हूँ इसका लैमिनेशन कराने के लिए और बेसिकली बरेली में पीपीएफ अवेलेबल नहीं है, तो जो पार्ट्स पे लैमिनेशन हो सकता है उन पे तो मेन पार्ट्स पे लैमिनेशन करवाएंगे और बाकी जो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर लैमिनेशन नहीं हो सकता उस पर सिरामिक कोटिंग कराएंगे। तो हम पहुंच गए हैं श्री बालाजी मोटर्स टीवीएस पर, जो कि प्रैक्टिकली मेरा ही शोरूम है, और आज हम यहाँ पे करेंगे लैमिनेशन पूरी गाड़ी पर। पूरी गाड़ी के सारे मेन पार्ट्स खुलेंगे प्रॉपर, जिन्हें ओपन करना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा, उन्हें पूरा खोला जाएगा और उन्हें प्रॉपर रीफिट किया जाएगा। ये हमारे जीतू भैया हैं। अब परेशानी ये है कि कह रहे हैं हमारे पास जो रोल अवेलेबल है वो है 2 फिट चौड़ा और रोनिन की टंकी कुछ ज़्यादा ही लंबी है, मेरे ख्याल से 2.5 फिट का या 3 फिट का लैमिनेशन रोल होना चाहिए था चौड़ाई में। बरेली में जिससे वो माल लेते हैं उनके पास में इतना चौड़ा रोल था नहीं, फिर सीधा 8 फिट वाली लेंथ या 6 फिट वाली लेंथ अवेलेबल थी, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी और शुरू में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये काम हो भी पाएगा या नहीं। 1 घंटे तक लगे रहे, सोचते रहे, मेहनत करते रहे, ट्राई करते रहे खींच खींच के पन्नी को। अच्छा, लैमिनेशन की शीट को बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचा जा सकता है, थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच कर लोगे गन से, एयर गन से और वैसे, बट बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस के बाद काम हो रहा था धीरे 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 कि हाँ हमने एक साइड का कवर पूरा कर दिया टंकी को। और जब एक साइड की कवरेज हो गई तो इतनी खुशी हुई कि चलो अभी काम निपट जाएगा। साथ ही साथ ये डर भी लग रहा था कि अगर ये लैमिनेशन शीट जरा सी भी कहीं से फट जाए एयर गन से, जब दूसरी साइड से लैमिनेशन हो रहा था, कहीं से भी टियर अप हो जाए, फट जाए, पूरी मेहनत पानी हो जाएगी। इतनी हिम्मत थी नहीं हमें कि हम दोबारा फिर ये काम कर पाते। अब हुआ ये कि जब हमें लगा कि ये टंकी जो है नीचे से बहुत ज़्यादा कर्व्ड है और इसे निकाले बगैर काम नहीं बनेगा नीचे से लैमिनेशन का, तो हमने फिर टंकी को निकाला, पूरा खोल लिया गाड़ी में से और उसके बाद गाड़ी ऐसी दिख रही थी। फाइनली टंकी की लैमिनेशन पूरी हुई और उसको फाइनल टच देने के लिए गाड़ी पर दोबारा लगाया और लगा के इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग्स थी लोगो एंड ऑल की वो कटिंग्स करके फ्यूल टैंक को फाइनल स्टेज पे लाया गया। आप देख सकते हो रोनिन पीछे से कैसी लग रही है खुलने के बाद। बेसिकली ये 3 लेयर लैमिनेशन शीट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लैमिनेशन शीट हमने यूज़ करी है। इसका लाइफ स्पैन 1.5 साल है बट हम इसको 1 साल में ही पील ऑफ कर देंगे। कोई भी लैमिनेशन गाइज अगर आप लोग अपनी बाइक पे कार पे कर रहे हैं, याद रखिए हमेशा 6 महीने साल भर, इतने के बाद आप उसे हटा दो क्योंकि उसके बाद उसे छुटाने में बहुत दिक्कत होती है और पेंट डैमेज होता है। और अब बारी थी गाड़ी के फिटमेंट। फटाफट खालिद ने सारे पार्ट्स को फिट किया और हम साइड पैनल्स, फ्रंट मडगार्ड, रियर मडगार्ड, इनके पीछे लग गए। अपना शोरूम होने के कुछ खास फायदे भी हैं, मैकेनिक्स आपके, पार्ट खुलना है कोई टेंशन नहीं, इसीलिए जीतू भाई को मैंने शोरूम पे बुला लिया। पहले मैंने मैट लैमिनेशन रोल लाने के लिए बोला था भैया को, बट फिर मुझे लगा यार मैट में मज़ा नहीं आएगा एंड एट द लास्ट एंड हमने हाई ग्लॉस लैमिनेशन को ही फाइनल कर दिया। 4 से 5 घंटे का समय लगा, बहुत पेशेंस और बहुत मेहनत के बाद फाइनली हमें एक एंड रिजल्ट मिला जो कि बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये रहा फाइनल लुक। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ अलग से कराया है, लैमिनेशन का काम बहुत फिनिशिंग के साथ। सो दिस साइड मोटो डायरीज बाय प्रशांत अग्रवाल। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।